गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रुचि मिश्रा फ्रॉम आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड द गुड सेफर्ड एजुकेशन सेंटर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। नर्सरी के बच्चों, सी डब्ल्यू वर्क में आज हमारा दूसरा विषय हिंदी है। हिंदी में हमें आज अगला अक्षर लिखें। अगला मीन्स आने वाला अक्षर लिखना है। जैसे आफ्टर होता है इंग्लिश में, मैथ में आफ्टर करते हैं, वैसे ही अगला अक्षर लिखें। हमें अगला अक्षर लिखना है। ओ से ओखली के बाद क्या होता है? ओ से औरत। देखिए बच्चों, ओ से औरत हमें यहाँ पे लिखना है। अंग से अंगूर के बाद आहा हो गया खाली, लिखना है। गा से गमला के बाद क्या होगा? गा से गमले के बाद क्या होता है? गा से गमला, घा से घड़ी। सभी बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्लास वर्क में टीचर्स मैम्स कितना बोल बोल के आप लोग को पढ़ाती थी, वैसे ही बोल बोल के पढ़ना है। छा से छाता के बाद क्या आएगा बेटा? जा से जहाज। ढा से डलिया के बाद क्या आएगा बच्चों? ढा से ढक्कन। ये आपका सी डब्ल्यू वर्क है बच्चों, नर्सरी के बच्चों, ये आपका सी डब्ल्यू वर्क है। सेकंड पेज पे बच्चों डेट डालेंगे हम, ऑनलाइन क्लास लिखेंगे, एच डब्ल्यू डालेंगे। नर्सरी के बच्चों आज हम मिलान करेंगे, एच डब्ल्यू में मिलान करेंगे। देखिए बच्चों, छा से छाता, जा से जहाज, फा से फल, रा से रस्सी, शा से सलजम, शा से षटकोण, फा से फल, रा से रस्सी, शा से सलजम, शा से षटकोण, छा से छाता, जा से जहाज। अब बच्चों छा से छाता को छा से छाता से मिलाना है। छा से छाता से छा से छाता को हम मैच करेंगे। जा से जहाज से हम जा से जहाज को हम मैच करेंगे। फा से फल को फा से फल से मैच करेंगे। रा से रस्सी से रा से रस्सी को हम मैच करेंगे। शा से शलजम को शा से शलजम से मैच करेंगे। शा से षटकोण को शा से षटकोण से मैच करेंगे। ये हमारा एच डब्ल्यू वर्क कंप्लीट हो गया। अभिभावक महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा विद्यालय आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक खुल रहा है। आप विद्यालय जाके अपने नर्सरी के बच्चों अपने बच्चे की नर्सरी की बुक सेट परचेस कर लें, खरीद लें, जिससे हमें आगे राइटिंग बुक भी कराने में आसानी होगी। बच्चों का राइटिंग बुक में कोई कार्य नहीं हो रहा है। गुड बाय स्टूडेंट।